नमस्ते मित्रों, आज आप बनावाना छे कोल्ड कोको। तो आप बनावानी शुरुआत करशू। सौ प्रथम आप दूध ने गरम मूकी देवानू छे। जो तमने मारी रेसिपीओ गमती होय अने हजू सुधी चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करजो अने बाजू में आपेली घंटी दबावजो, एटले नवी नवी रेसिपीओना नोटिफिकेशन मळता रहे। तो आ रेसिपी में आप आग वधीए। तो आप सौ प्रथम दूध ने गरम मूकवानू छे। दूध गरम थई जाय त्यां सुधी में आप एक बेटर बनावी लईए। तो बेटर बनावा माटे मैं अहींया कस्टर्ड पाउडर लीधो छे एक चमची, वेनिला कस्टर्ड पाउडर अने बे चमची कोको पाउडर आपणे उमेरशुं। एमां बे चमची कोको पाउडर। हवे दूधमां आपणे बराबर मिक्स करवानुं छे। दूध नाखीने आपणे हलावशू, बराबर मिक्स करशू, गाँठा न रहे एवी रीतना आपणे मिक्स करवानुं छे। तो मिक्स थई गयु छे, आपणुं दूध पण उकळी गयु छे। त्रण चमची आपणे खांड उमेरशुं। दूधमां एक उभरो पण आवी गयो छे। दसेक मिनिट जेवुं आपणे दूधने उकळवा देशुं। ત્યારબાદ આપણે જે કોકો પાવડરનું જે મિશ્રણ બનાવી લીધું છે એ ઉમેરશું, કસ્ટર્ડ પાવડર અને કોકો પાવડરનું। બે મિનિટ જેવું ઉકળવા દેશું। તમે જોઈ શકો છો સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે, એકદમ જાડું થઈ ગયું છે, કસ્ટર્ડ પાવડરથી એકદમ જાડું થઈ જાય છે, થીક થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એક બીજા વાસણમાં ગાળી લેવાનું છે। તો એક બીજા વાસણમાં મેં ગાળી લીધું છે। હવે આપણે કાજુ અને બદામનું કટિંગ મેં કરી લીધું છે એ ઉમેરશું। હવે બે કલાક માટે આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો બે કલાક બાદ મેં બહાર કાઢીને સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે સર્વ કરશું। गार्निशिंग माटे मैं ग्लास में काढ़ी लीधु छे, चॉकलेट ना टुकड़ा करी लीधा छे ए उमेरशू। त्यारबाद बदामनू कटिंग करी लीधु छे ए उमेरशू। तो तैयार छे आपणो कोल्ड कोको।